नौकरी मांगूंगा क्या सर क्या बोल रहे थे सर नौकरी मांगूंगा नहीं नौकरी 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 दूंगा अच्छा किसे मांगना नहीं देना देना है देना है क्योंकि आ, यहाँ पे हम आप सभी को बताना चाहेंगे मैम तो बिजनेस को की है लेकिन यहाँ पे चाहेंगे यहाँ पे मैम बता रही अच्छा मैम कितने लोग तो का रोजगार दी है अभी तक पंद्रह से बीस लोग सर आ जाए और यहाँ से दिखाएं सर थोड़ा सा उधर आए और ये दिखाएं ये दिखाएं ये जो मशीन चल रहा है इस मशीन में जैसे सर्फ की बात करें तो अभी मिक्सिंग किया जा रहा है अच्छा मैम जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल आता है उसको थोड़ा सा दिखाएं तो थोड़ा सा दिखाएं सर ये डायरेक्ट रॉ मेटर है वो हम थोड़ा सा निकालना चाहेंगे ये दिखाएं ये क्या है माइक दोनों माइक है अच्छा इसके साथ और भी कुछ मिलाया जाता है ये वाला सोडा इसको तो दिखाते तो है, हैं हम इसको दिखाते हैं ये सोडा हो जाएगा ये सोडा हो जाएगा, सोडा हो जाएगा और क्या सैलरी थोड़ा सा दिखाएं कौन सा सैलरी हो जाएगा ये वाला है जी हम दिखाते हैं ये ये वाला हो जाएगा ये तीनों चीज़ मिला के तो आप को बनाया जाता है ना कहाँ अच्छा लग जाता है मैम जिला से ऑफ टूट कहाँ तक पटना पटना तो पटना पटना हाँ। 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 भी देती है पटना हाजीपुर हाँ छपरा हाँ, ये सब सब जगह जाता है बेतिया भी जाता है भी जाता है बात आपसे पूछे बहुत लोग इस चीज़ को सोच रहे होंगे महीना कितना कमा लेती है इस बिजनेस से मैं हम थोड़ा सा बताया कितना कमा लेती है किसी का ऐसे तो अर्निंग रिवील नहीं किया जाता है लेकिन एक अनुमान बताइए कितना कमा लेती है मैमिट नहीं है लेकिन जो इतना मेहनत करेंगे उतना ही मे मिट पाएंगे बाकी खुश है कि नहीं बिजनेस करते हैं खुश हो कि इस तरह के बिजनेस किए हैं और काफी देख सकते हैं यूनिक बिजनेस अपने गोपालगंज के लिए और मार्केटिंग से लेकर बहुत लोगों का मेम सवाल होता है कि हम बिजनेस करें हमसे मार्केटिंग अगर ना हो पाए तो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा तो आप बिजनेस करने से पहले मार्केटिंग वगैरह लेकर नहीं डरी हुई थी क्यों हम मेहनत करेंगे तो डोड़ेंगे नमस्ते दोस्तों मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वापस से अपने स्नेह ब्लॉग वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो पे अभी मैं फिलहाल आप सभी को वापस से लेकर पहुंचा एक नए फैक्ट्री में और आज की इस वीडियो है वो दोस्तों काफ़ी आप सभी के लिए फुल वीडियो होने वाले क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि भाई सरफ कैसे बनाया जाता है और आप सरफ उद्योग को अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं बाकी आज हमारे साथ रहेंगी गोपालगंज के महिला युवा उद्यमी और इन्होंने मैं आप सबको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से रूम में और इन्होंने सरफ का उद्योग लगाया हुआ है और काफ़ी अभी दूर दूर तक इनका सरफ भी जाता है पूरा डिटेल हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे सरफ बनता है अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा ये देख सकते हैं ये सरफ का रॉ मटेरियल हो जाएगा जो कि मशीन में डाला जा रहा है और कैसे सरफ़ बन के तैयार होता है पूरा डिटेल आप सभी को बताएंगे बाकी हम सबसे पहले आज मैम के साथ हम कुछ बात करेंगे कि भाई इन्होंने कैसे इस बिजनेस की शुरुआत की और क्या कुछ ख्याल है कि भाई एक महिला होकर इस तरह की बिजनेस की शुरुआत आ, अपने लोकल क्षेत्र गोपालगंज में इन्होंने स्टार्ट किया पूरी जानकारी जानेंगे बाकी आज हमारे साथ रहेंगी यहाँ के कारतर जो प्राउड बोल सकते हैं महिला युवा उद्यमी बेबी बेबी देवी जी सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी सबसे पहले मैम अपना शुभ नाम हमारे व्यवसाय बताए तो आपका नाम क्या हो जाएगा बेबी सिंह बेबी सिंह हम बताना चाहेंगे भाई काफी लोग बिजनेस करने के लिए डर जाते हैं लेकिन एक महिला युवा उद्यमी होके और भाई इतना अच्छा इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया है मैम क्या कुछ ऐसा ख्याला कि आपने इस तरह की फैक्ट्री गाँव में वो भी लगा दी है महिला लोग बहुत से डर जाती है हाँ और जेंट्स भी बिजनेस करने से डरते हैं ड़ते लेकिन हैं। हम डरे नहीं अब नहीं मैं, नहीं। हाँ। मैं आगे बढ़ने के और बढ़ाने के महिला लोग का सहयोग करे की हाँ। पिछला में कोई का रोजगार मिल सके अपने बच्चा का पाल सके जी जी यही मतलब किसी के यहाँ लोग नौकरी जाके ना करे खुद का अपना बिजनेस शुरू करे और खुद का अपना बिजनेस चलाए भाई किसी के यहाँ नौकर बन के काम ना करे लोग नहीं जी अच्छा मैम आप बताइए की इस चीज़ का आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया की डायरेक्ट आपने इस तरह का बिजनेस शुरू कर दिया मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्या नोक्री सर नोक्री क्या बोल रहे थे सर नौकरी मांगूंगा नहीं नौकरी दूंगा अच्छा किसी से नौकरी मांगना नहीं है नौकरी देना है देना है क्योंकि आ, यहाँ पे हम आप सभी को बताना चाहेंगे मैम तो बिजनेस को की है लेकिन यहाँ पे देखा आना चाहेंगे यहाँ पे मैम बता रही अच्छा मैम कितने लोगों को अभी तक तो आप रोजगार दी है अभी तक तो पंद्रह से बीस लोग खटते हैं पंद्रह सौ बीस लोग यहाँ पे पंद्रह सौ बीस लोग को अभी मैम रोजगार दी है और हम आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे सरफ बनता है यहाँ पे दिखाएं ये दिखाएं अभी मशीन चालू है और यहाँ से ये यह मिक्सचर हो जाएगा और कौन सा मशीन है मैम मिक्सचर है ना मिक्सचर मशीन है मिक्सचर मशीन है जहाँ पे की सरफ को यहाँ पे मिक्सिंग किया जाता है अच्छा ये रॉ मटेरियल बाहर से आता होगा हाँ बाहर से आया था इस रॉ मटेरियल बाहर से आता है इसमें बस एक ही मशीन से इस बिजनेस को शुरू किया कि और भी इसके मशीन है एक ही मशीन है और पैकिंग मशीन है और अच्छा। मशीन है दो मशीन है okay. सारा बिजनेस उद्योग करने के लिए दो मशीनों की जरूरत पड़ती है एक पैकिंग और एक मिक्सिंग मशीन के लिए तो वो जो है वो मिक्सिंग मशीन है जिससे मिक्सचर बोल सकते हैं उस मशीन को वहाँ पे अभी सरफ तैयार हो रहा है तैयार होकर कैसे पैक होगा पूरा हम बताएंगे एक बार दिखा दे सर थोड़ा सा दिखाए ये जो ये सब क्या है रॉ मटेरियल है अच्छा कितने रुपए के जी मटेरियल आता है मैम चलिए हम बताना चाहेंगे इसके लिए आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से और एक चीज़ पर हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि भाई बड़े बड़े कंपनियों का टक्कर दे रहा है मैम का ये सर्फ का जो उद्योग है बड़े बड़े कंपनियों को टक्कर दे रहा है टक्कर कैसे दे रहा है हम पूरा डिटेल आप सभी को बताएंगे बनी एक पनी देना मुझे एक पनी देना ये जो आप देख रहे हैं ये हम मेरे हाथों में कुछ इस तरह का इनका ब्रांडिंग है जो कि इस तरह का ब्रांडिंग करके फिर यहाँ से जाता है सर्फ कितने के जी में मैम ये सरफ इसमें पैक होता है आधा के जी है आधा के जी है हाफ के जी पाँच सौ ग्राम इसमें सर्फ पैक होता है पाँच सौ कहीं करती है कि एक के जी का भी करती है पाँच सौ दस रुपये एक के जी का भी होता है और पाँच सौ मतलब हो सकता है आधा के जी का भी होता है सर थोड़ा सा इधर आ जाए और यहाँ से दिखाएं सर थोड़ा सा उधर आए और ये दिखाएं ये दिखाएं ये जो मशीन चल रहा है इस मशीन में जैसे सर्फ की बात करें तो अभी मिक्सिंग किया जा रहा है अच्छा मैम जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल आता है उसको थोड़ा सा दिखाएँ तो थोड़ा सा दिखाएं सर ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल है वो है हम थोड़ा सा निकालना चाहेंगे ये दिखाएँ ये क्या है दोनों माइक दोनों माइक है अच्छा इसके साथ और भी कुछ मिलाया जाता है ये वाला सोडा इसको दिखाते हैं हम इसको तो दिखाते हैं ये सोडा हो जाएगा ये सोडा हो जाएगा और क्या सैलरी थोड़ा सा दिखाएं कौन सा सैलरी हो जाएगा ये वाला है जी हम दिखाते हैं ये ये वाला हो जाएगा ये तीनों चीज मिला के तो सर्ब को बनाया जाता है ना तार्णार 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 तार्णार। एक वहाँ पे भी है पे जी ये इसको भी मिला के हाँ आ... हाँ हा। सर थोड़ा सा फोन को सीधा कीजिए तो हाँ ये क्या है इसका नाम क्या है क्या सेंट है परफ्यूम है बोल सकते हैं तो भाई परफ्यूम जो आप हम खुशबू जो महकते हैं ना सर्फों का वो ये परफ्यूम है जो कि परफ्यूम का यूज़ करके और फिर प्रत्येक को सर्फ में मतलब अलग अलग परफ्यूम यूज होता है तो इनके यहाँ से जो सर्फ जाता है उसमें ये परफ्यूम यूज होता है खुशबू के लिए महक के लिए और दिखाएँ यहाँ पे माल बन तैयार हो गया दिखाएँ ये यह देखिए यहाँ से अभी सर्फ बन तैयार हो चुका है हम थोड़ा सा इसमें निकाल सकते हैं भाई हीट तो नहीं ना है थोड़ा सा रुके तो थोड़ा सा तो ये देखिए सर्फ बन तैयार है और इसकी स्माइल की बात करें तो काफी खूबसूरत मतलब बोल सकते हैं इसमें परफ्यूम वगैरह मिला दिया गया है तो इसका स्माइल बढ़ गया है और कहाँ कहाँ तक मैम आपका अभी यहाँ से बन के सौर जाता है थोड़ा सा बताएं थोड़ा सा सर पीछे चले थोड़ा सा मैम को ले लेते हैं और कहाँ तक सरअ जाता है मैम जिला से कहाँ तक पटना 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 भी देती है से पटना हाजीपुर हाँ छपरा ये सब सब जगह जाता है बेतिया भी जाता है बेतिया भी जाता है मैम एक बात आपसे पूछे बहुत लोग इस चीज़ को सोच रहे होंगे महीना कमा है है कितना कमा लेती हैं इस बिजनेस से मैम थोड़ा सा बताए कितना कमा लेती हैं किसी का ऐसे तो अर्निंग रिवील नहीं किया जाता है लेकिन एक अनुमान बताइए कितना कमा लेती हैं मैम ए नहीं है देखिए हाँ। जो इतना मेहनत करेंगे उतना ही बेमिट पाएंगे बाकी खुश है कि नहीं बिजनेस हाँ, हाँ, करके खुश है खुश है हैं बहुत खुश है बिजनेस करके काफ़ी खुश है एक महिला हो के भाई इस तरह का उद्योग लगाई है इतना बड़ा अगर बोल सकते हैं तो भाई फैक्ट्री लगाई है फैक्ट्री कोई छोटा नहीं है बहुत बड़ा फैक्ट्री अगर हम बात कर ले तो बिल्कुल छोटे से रूम में और गाँव पे और घर पे अपने बिजनेस को शुरुआत की है बाकी एक बार हम दिखाएंगे कि सरफ़ पैक कैसे होता है थोड़ा सा पैक करके दिखाओ सर्फ को तो दिखाए यहाँ पे दिखाएँ ये छोटा सा एक और मशीन हो जाएगा वो तो मिक्सर मशीन हो जाएगा और ये जो अच्छा गिलास से वो गिलास में कितना पैसा पड़ता है कैसे कि कितना यहां पे वेट करके फिर यहां पे सर्फ को पैक किया जा रहा दे आदा, दे आदा दे 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 आ आ है दिखाएंगे हम आप सभी को अभी आप देखिए कैसे यहां पे मशीन को स्टार्ट करके फिर हम दिखाएंगे आप सभी को कितना यहाँ पे सर्फ को पैकिंग किया जाता चलिए इतना हम मान लिए इतना सर्फ हो गया बाबू इसको पैक करके दिखाओ दिखाते हैं यहाँ पे हम कि देखिए अभी आप सभी को हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे जो ये तो मैम ये जो इसका होता है ये पन्नी ये तो बाहर से आता होगा ना हाँ, हाँ बाहर, बाहर से आता है बाहर से आता है कितने रूपए के में मिल जाता है ये एक... हाँ मतलब काम डेढ़ रुपये का राउंड में पड़ता है जी पीस के हिसाब से आता होगा ये देखिए यहाँ पे ये हीटिंग मशीन हो जाएगा जिसकी मदद से हीट करके फिर ये सर्फ की पैकिंग हो जाएगा हम दिखाना चाहेंगे देखिए अभी वो पैकिंग हो रहा है पैकिंग आ, होने के दौरान हम आप सबको पैक हो जाता है तो फिर आप सभी को दिखाते हैं बाकी आप सभी लोगों ने देखा भाई महिला होकर इस तरह का उद्योग वो भी गाँव पर शुरू की है तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितना दिखाएँ हो गया बाबू पैक हो गया दिखाएं ये देखिए अभी थोड़ा सा मशीन ज्यादा हीट नहीं हुआ है लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने आप सभी को अपने लाइव प्रूफ दिखाया कि भाई कैसे यहाँ से सरफ़ पैक हो रही है आप देख सकते हैं ये सरफ़ पैक हो चुका है आधा के जी में है और इसे मार्केट में कितना में मैम आप दीजिएगा एक अनुमान हाँ। रेट बताएं तो हाँ मतलब जैसे रॉ मटेरियल के हिसाब से होता है भाई रेट कभी घटता रहता है बढ़ता रहता है तो मैम उसी लिए कन्फ्यूजन में भाई रेट हम कितना है फोन फोन करेंगे जो इसका चाहिए वो फोन करेंगे तो हम बताएंगे रेट आपके यहाँ से जो बना बना हुआ माल लेना चाहते हैं आप दीजिएगा हाँ देंगे दे दीजिएगा हाँ देंगे तो चलिए अगर आप होलसेलर हैं रिटेलर हैं तो आपको बना बनाए हुए माल चाहिए तो आप ले सकते हैं अगर आप बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो आप मैम से ट्रेनिंग ले सकते हैं अपने गोपालगंज में ये उद्योग लगा हुआ है आपको मशीन भी काफ़ी सस्ते रेटों में मिल जाएगा और मशीन आप लोगों ने देखा बिल्कुल दो मशीनों की मदद से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं महीना का काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर बोल सकते हैं तो भाई लाखों रुपये भी कमा सकते हैं बिज़नेस आपके चलाने के ऊपर है अगर आप बिज़नेस अच्छे से चलाते हैं अच्छे से कार्य करते हैं तो फिर आप महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं और मैं आप सभी को ये चीज़ इसलिए ढूंढूढ़ कर दिखाता रहता हूँ कि भाई अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं अगर आप बेरोजगार हैं भाई तो अपनी बिजनेस की शुरुआत कीजिए क्योंकि भाई एक युवा उद्यमी होकर भी लोग डर जाते हैं कि भाई मैं कैसे बिजनेस को कर लूंगा मैं महिला हो के इस तरह की बिजनेस की है और काफ़ी देख सकते हैं यूनिक बिजनेस अपने गोपालगंज के लिए और मार्केटिंग से लेकर बहुत लोगों का मैम सवाल होता है कि हम बिजनेस करें हमसे मार्केटिंग अगर ना हो पाए तो मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा तो आप बिजनेस करने से पहले मार्केटिंग वगैरह के लेकर नहीं डरी हुई थी क्या डरेंगे मेहनत करेंगे तो डरेंगे क्यों क्या बात है भाई मेहनत कीजिएगा तो डरिएगा क्यों मेहनत कीजिए मेहनत कीजिएगा तो आपका जरूर से अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो आपका प्रोडक्ट जरूर से चलेगा भाई और वाकई में अगर बात करें तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने वाला ये सरफ इनके यहाँ से बनकर तैयार हो रहा है और आज पटना हाजीपुर मोतिहारी बेतिया प्रत्येक वो डिस्ट्रिक्ट में इनका सरफ जा रहा है तो काफ़ी खुशी की बात है ना तो भाई आप सभी भी अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे जो महिला अगर कोई वीडियो को देख रही है उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि वो लोग कि किस तरह की बिजनेस स्टार्ट करें अपना जैसे हम आगे बढ़े हम हिम्मत जगाए उसी तरह वो लोग जगाए और आगे बढ़े डरने के कोई भी बात नहीं है तो जो महिला इस वीडियो को देख रही हैं तो आप सभी भी आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए आप सभी के पास भी बहुत सारा ऑप्शन है ऐसा नहीं है कि भाई आप केवल इसी मशीन को आप लगा सकती हैं आटा चक्की है बहुत सारी मशीनें हैं जो पैकिंग करने वाली मशीनें होती है जो कि आप घर पर इजली रह के आप चाहे तो अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और मैम आज काफ़ी अच्छा कर करे कर रही हैं है। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की बिज़नेस अपने लगाया काफ़ी खुशी भी हुआ बाकी आप सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और भाई आपको बना बनाए हुआ प्रोडक्ट चाहिए तो आप मैम से संपर्क कर लीजिए मैम का मोबाइल नंबर रहेगा मशीन के भी बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मैं नंबर दे दूंगा उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी से मिलता हूँ फिर किसी ऐसे एक नए विजन लेकर आप सभी के बीच बहुत जल्द तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद